बच्चे का मोर लेस, इट्स उसकी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन ट्रंक और लिम्ब वो जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बेबी ग्रेजुअली बिकम लेस टॉप हैवी, शुरू में जब पैदा होता है तो वो सारी सर उसका होता है और नीचे से जिस्म पतला सा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे बड़ा होता जाता है वो सिलेंडर लाइक पतला होना शुरू हो जाता है, और वो जो एक बेबी हुड की वो चंकी चीक्स एंड एवरीथिंग वो ज़्यादा थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है बाय द एंड ऑफ बेबी हुड, ठीक हो गया। देन इट कम्स बोन्स, बोन्स में द नंबर ऑफ बोन्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग बेबी हुड, जो है बहुत नंबर ऑफ बोन इंक्रीज होते हैं। ऑसिफिकेशन बिगिनस इन अर्ली पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, बट नॉट कम्प्लीटेड अनटिल प्यूबर्टी। इसलिए हम कहते हैं कि आपने कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज ऑसिफिकेशन इज देयर। कैल्शियम जो होता है वो आपकी बोन्स में जाता है, बोन्स ग्रो करना शुरू कर जाती हैं, तो बिफोर प्यूबर्टी यू हैव टू कीप एन आई ऑन द मिल्क इनटेक, स्पेशली कि वो एडिक्वेट हो, ठीक हो गया। फिर फोनेटाइन और सॉफ्ट स्पॉट ऑफ द स्कल, जो आपके सर के जो ऊपर फोनेटाइन आपके जो बिल्कुल ऊपर जो सर का एक हिस्सा होता है, जो अक्सर हम बच्चों को जब बर्थ पैदा होते हैं तो हम देखते हैं वो सॉफ्ट होता है बिल्कुल, ठीक हो गया। तो वो क्लोज हो जाता है 50% ऑफ द बच्चों का 18 मंथ में क्लोज हो जाता है, कुछ लोगों का ज़्यादा देर तक चलता है, लेकिन 2 साल तक हर बच्चे का वो जो ऊपर वाला सर के टॉप पे जो होता है नरम सा हिस्सा वो बंद हो जाता है, ठीक हो गया। फिर मसल्स एंड आपका फैट, मसल फाइबर जो होते हैं वो बर्थ पे जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, बट बहुत अंडर डेवलप्ड होते हैं, लेकिन अंडर डेवलप होते हैं। आप देखो बच्चा जो है वो अपने भी अपने सर को भी नहीं संभाल पा रहा होता, क्योंकि वो डेवलप नहीं होते, ठीक हो गया। शुरू में आपने देखा न्यू बॉर्न्स के सर के नीचे भी हम हाथ रखते हैं। उसके बाद दे ग्रो स्लोली ड्यूरिंग बेबीहुड एंड आर वेरी वीक, बाय कंट्रास्ट फैट टिश्यूज डेवलप रैपिडली ड्यूरिंग बेबीहुड, जिसमें हम चंकी हम कहते हैं ना बेबी गुपू सुपू हमें लग रहा होता है, तो वो इसी क्योंकि फैट टिश्यूज बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं, और क्योंकि फैट कंटेंट जो ऑब्वियसली इफ दे आर ऑन मदर मिल्क तो उसका फैट कंटेंट बहुत हाई होता है, मेन इन्ग्रीडियंट आपके बेबी डाइट का जो होता है वो फैट होता है अगर हम परसेंटेज पे देखें। सो ऐसा ऐसा उसके मसल फाइबर बाय द टाइम उसके मसल फाइबर जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, आप देखो वो अपनी होल्ड करना शुरू हो जाता है चीज़ों को, ठीक हो गया। सो टुडे वी विल बी डूइंग